नमस्कार, वीपी कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का फिर से हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैं हमेशा आपको एक चीज बोलता आया हूं कि हमेशा भीड़ के रास्ते पर मत चलिए। भीड़ सांस तो देती है लेकिन पहचान छीन लेती है। तो उस कुछ इसी तरीके का वाक्य हमको आरएस प्री जो कि परसों एग्जाम हुआ था उसमें देखने को मिला था। और मैंने हमेशा आपको बताया कि हमेशा स्मार्ट स्टडी पर आप बिलीव कीजिए और स्मार्ट तरीके से आप पढ़ने पर यकीन रखिए। आप सभी को मैंने करंट अफेयर्स की वीडियोस मैंने अपलोड किए थे और उसमें मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स को किस तरीके से आपको पढ़ना है। आप डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे करंट अफेयर्स पर खर्च करते हैं लेकिन आउटपुट आपको कितना मिला होगा वो आपने देखा ही होगा। और मैंने सिर्फ 10 से 15 मिनट का मैं एक वीडियो डालता हूं और उसमें जो भी मैंने वीडियो डाले उनमें 8 से 9 वीडियो डायरेक्ट मेरे वीडियो से आपको आरएसपी में कल एग्जाम में देखने को मिले है। और उसका मैं आपको जो मेरे वीडियो का जो स्क्रीनशॉट है उसका स्क्रीनशॉट और उस ट्यूशन को साथ में मेंशन करके मैं आपको एक लाइव प्रूफ के तौर पर बता रहा हूं कि किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको हमेशा एग्जामिनर की सोच को पकड़ना होगा तभी आप क्वेश्चन को एग्जाम में बना पाओगे। तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बता रहा हूं कि किस तरीके से आरएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए और हमारी वीडियो से 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए उसका मैं कंप्लीट स्क्रीनशॉट के साथ आपको यहां पर प्रूफ देने वाला हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि मैं पहले ही बोलता आया हूं इस चैनल के माध्यम से मैं आपको बहुत ही अच्छे लेवल का कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूं और मैं खुद पर्सनली इस कंटेंट पर अलग से मेहनत करता हूं और आपको बहुत अच्छा इसका आउटपुट देखने को मिलेगा। और ये आपने कल जो परसों एग्जाम हुआ था आरएसपी का उसमें आपने देखा ही होगा और नहीं देखा है तो आप अभी इस वीडियो में देख लीजिए। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं क्वेश्चन के बारे में, स्टार्ट करते हैं। वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं बनाते हुए आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं सीधा क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन आया था, व्यापार सुगमता रिपोर्ट 2020 के अनुसार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सूचकांक 2019 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो ये क्वेश्चन कल पूछा गया था और इसमें इसका सही आंसर था 63। और यहाँ पे एक वन डे एगो, यहाँ पे ये मेरा स्क्रीनशॉट देख सकते हैं वीडियो का और इसमें आप वन डे एगो यानी एक दिन पहले एग्जाम के एक दिन पहले मैंने यहाँ पे ये वीडियो अपलोड किया था और उसमें मैंने बताया था कि 1 से 2 क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से इस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो को इग्नोर मत करना, आप इस वीडियो को देखकर जाना। अगर आपने देखा है तो 100% आपके यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिले होंगे। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन, ये मैक्सिमम स्टूडेंट ये छोड़ के आए थे और ये मैंने बजट में मैंने थंबनेल पर भी लिखा था 4 से 5 क्वेश्चन निश्चित रूप से यहाँ से पूछेंगे और लगभग 2 से 3 या 4 क्वेश्चन कल जो परसों आरएस का एग्जाम होता है उसमें बजट से क्वेश्चन आए थे। और आप यहाँ पे ये मेरे वीडियो है जो वीडियो मैंने अपलोड किया था बजट का उसमें ये क्वेश्चन नंबर 5 था। जाकर आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपको खुद को पता चल जाएगा। और इस वीडियो में मैं, जैसा कि मेरी एक हैबिट है कि मैं हर क्वेश्चन को एक डिटेल में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स होते हैं, जो भी मेरे पास जो एक्स्ट्रा जानकारी होती है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और उसमें ये देख सकते हैं आप 14.32 यहाँ पे इस वीडियो में आप देख रहे हैं और ये 14.32 का ऑप्शन यहाँ पे कल आंसर में सही था। और ये क्वेश्चन कल आरपीएससी आरएस का एग्जाम जो कंडक्ट हुआ था उसमें ये पूछा गया था। तो आप देख सकते हैं कि जो मेरे द्वारा जो कंटेंट पर्सनली प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट था। और मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ कि इस कंटेंट के पीछे बहुत मेहनत करनी पड़ती और उसके बाद 2 घंटे मैं जब खुद पढ़ता हूँ तब जाके आपके लिए निचोड़ के रूप में एक ये करंट अपडेट्स तैयार होता है। और इसी तरीके की मेहनत मैं आगे भी करता रहूंगा और आप अगर आपका सपोर्ट रहा, अगर आपने सपोर्ट किया आगे तो इस तरीके के करंट अपडेट्स की वीडियो आपको और भी मिलेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 था कल, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी। इसका सही आंसर कल जोधपुर था। और ये देख लीजिए आप मेरे बजट के द्वारा जो बजट का वीडियो मैंने आज से लगभग 7 या 10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, आप देख सकते हैं चैनल पर वो वीडियो अभी अपलोडेड है। और 2021-22 के अनुसार कौन सा कथन सही है इसमें देख लीजिए आप। पहला ऑप्शन है जोधपुर में फिनटेक डिजिटल यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी और यहाँ पे मैंने मार्क भी किया है, यहाँ पर डबल स्टार भी लगाया था मैंने, कहा 100% आपको आने वाले एग्जामों में इस तरीके का क्वेश्चन आपको कभी भी फेस हो सकता है, आप यहाँ पे रेडी होना, ये लाइन बोली थी मैंने, आप देख सकते हैं उस वीडियो में जाकर। और मैं इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए बनाता हूं आमतौर पर ताकि आपके एक के साथ 4 क्वेश्चन और तैयार हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए आप, राजीव गांधी एडवांस सेंटर की स्थापना जयपुर में की जाएगी। तो ये इस तरीके के करंट अफेयर्स अगर आप स्मार्ट तरीके से पढ़ोगे तो आपको 35-40
क्वेश्चन या फिर जो 20-25 मिनट का जो वीडियो होता है उसमें आपको एक बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाता है। तो आपको 1-1.5 घंटे करंट अफेयर्स पर खर्च करने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई बार हम लोग करंट अफेयर्स को इतना डीपली उसके अंदर घुस जाते हैं कि हम ये समझ नहीं पाते कि दूसरे सब्जेक्ट के लिए हम टाइम मैनेज नहीं कर पाते। तो इस एग्जाम, ये एग्जाम कैसा हुआ? अगर अच्छा हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं। आप नेक्स्ट एग्जाम पर अच्छे से फोकस करिए, और थोड़ा पढ़ने का जो स्टाइल है वो आप स्टाइल को आपको पढ़ना चेंज करना होगा। जो एग्जामिनर जो क्वेश्चन पूछता है उस स्टाइल को आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, ये भी बजट से था, और बजट स्टार्ट होने से पहले मैंने उसकी जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में मैंने डिटेल से जो चर्चा करी थी, जिसमें मैंने ये भी बताया था कि बजट लैटिन भाषा से शब्द से बना, और किस तरीके से बजट का यहाँ पे इंडिया में किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1860 में सबसे पहले बजट पेश किया गया था, और 1867 से बजट 1 अप्रैल से 31 मई जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है, तो उस हिसाब से मैंने टोटल डिटेल में आपको यहाँ से इस वीडियो के माध्यम से और इस चैनल के माध्यम से आपको बताया था। और यही क्वेश्चन जब एक्स्ट्रा फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन के तौर पर मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अगर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो मैं आपको देता हूँ, तो आप उसको अपनी नोट डाउन, अगर कॉपी में आपके पास कॉपी और पेन से आप नोट्स बनाते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा मेंशन कर दीजिए। तो इस पर मैंने ये बताया था, ये क्वेश्चन आपको डायरेक्ट वहां पर मिला था। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन था, अंतर्राष्ट्रीय एनी अवार्ड 2020 किससे संबंधित है? आप सभी को पता हो तो आप देखना, बोली 4 4 4 मंथ एगो कर एक वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रखा है, और उस ड्यूरेशन में आप देखेंगे कि जो मंथली टॉप 50 क्वेश्चन होते हैं उसमें मैंने ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में डाला था, और उसमें एनी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया ये क्वेश्चन था। और आप देख सकते हैं जो परसों एग्जाम होता है उसमें एनी अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया ये भी पूछा है। तो इसमें प्रोफेसर सी एन राव सही आंसर था, और यहाँ पे भी ये ऑप्शन नंबर 4 सी एन राव यहाँ पे ये सही सही है। तो आप देख सकते हैं सीधा कट पेस्ट हुआ है। तो आप मेरे कंटेंट के जो क्वालिटी वो क्वालिटी आप यहाँ से देख सकते हैं, और सिर्फ ज़्यादा अभी कंटेंट मैंने दिया नहीं है। एक जब भी मेरे को टाइम मिलता है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड कराया है, और आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे लेवल का कंटेंट मैंने आपको दिया है। एक क्वेश्चन नेक्स्ट था, इटली ने किस देश को हराकर यूएफए यूरो कप 2020 का फाइनल जीता था? तो ये आप देख सकते हैं यूरो कप 2020, ये लगभग जो आप देख सकते हैं कि जो 13 जुलाई के आसपास का कुछ वीडियो है, तो वहां उस वीडियो में मैंने इसके बारे में डिटेल से चर्चा करी थी, और उसमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन होती है जैसे इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं तो मैं उसके हर ऑप्शन पर चर्चा करता हूँ हर वीडियो में। तो उसमें मैंने ये भी बताया था कि इटली ने इंग्लैंड को हराकर ये यूरो कप 2020 जीता था, और जो भी इसके अलावा ये कहाँ पर आयोजित होता है, ये इस तरीके की बैकग्राउंड हिस्टोरिकल जो भी डिटेल होती है वो भी मैंने इस चैनल के माध्यम से इस वीडियो में आपको बताया था। तो ये यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिला है। अब मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये मैंने 23 मार्च का मेरा एक वीडियो है जो आप अपलोड कर रखा है, और आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 23 मार्च का आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021 में प्रथम स्थान किसको प्राप्त हुआ। और यहाँ पे जो मैंने ये डिटेल बताई थी, यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जिसमें मैंने ये बताया था कि जो इंडिया है इंडिया की रैंक क्या है, तो इंडिया की रैंक 139 थी, और इसमें कर लिए आंसर सही था 139 वर्ल्ड हैप्पीनेस में इंडिया की रैंक का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सीधा यहाँ पे कट एंड पेस्ट हुआ है, तो ये लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ मैं आपको। एक्चुअल में मेनली फोकस इस बात पर कर रहा हूँ कि आपको किस तरीके से पढ़ना चाहिए, आपको थोड़ा स्मार्टली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आप वाइडली कितना ही कंटेंट पढ़ें, अगर वाइडली ज़्यादा कंटेंट पढ़ेंगे तो टाइम आप अपना ज़्यादा वेस्ट करेंगे, और एग्जामिनर किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है आपको मेनली उस पर फोकस करना होगा। मैं एक्चुअली सीधा आपको चीज़ बता दूं, मैं कोई कॉमेडी वगैरह इस टाइप की नहीं करता हूँ किसी भी वीडियो में। मैं आपको वही चीज और वही फैक्ट एग्जाम पढ़ाता हूँ जो सीधा आपको एग्जाम में मिलता है, तो उसी तरीके की मैं आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ। एक क्वेश्चन ये था, मार्च 2021 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ आपदा प्रबंधन सहनीयता और समन के क्षेत्र में MOU पर हस्ताक्षर किए थे? और ये एक्चुअली में मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो इसलिए मैंने इसके नीचे किसी टाइप का कुछ जो स्क्रीनशॉट है वो यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन अगर आप पीछे के मेरे को अभी कोई वीडियो याद नहीं आ रहा इसमें, लेकिन ये मेरे को 100% श्योर हूं मैं कि मैंने अपने चैनल पर इस क्वेश्चन की
जो चर्चा है वो जरूर करी थी, और पीछे वाले वीडियो में आप देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन भी मिल जाएगा, और बांग्लादेश इसका सही आंसर था। तो आप देख सकते हैं 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्टली आपको यहाँ से मिले। एक क्वेश्चन था जिसमें वो अवनी लेखरा से रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी मैंने चैनल के माध्यम से आपसे डिस्कशन किया। तो इस तरीके से लगभग 8 से 9 क्वेश्चन डायरेक्ट जो मेरे लिमिटेड कंटेंट मैंने आपको दिया उसमें से आपको डायरेक्ट मिले। तो अगर आपका सपोर्ट रहा, तो इसी तरीके का सपोर्ट रहा, तो इस चैनल के माध्यम से और भी मैं आपको बहुत सारे कंपटीशन के लिए कंटेंट प्रोवाइड करवाता रहूंगा। और मैंने हमेशा आपको बोला कि जो भी मैं कंटेंट प्रोवाइड करवाता हूँ वो आप चाहे आरएस का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मैं हर लेवल को एक उस लेवल को कवर करने की कोशिश करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब भी आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं, क्योंकि आपने देख लिया होगा कि मेरे जो कंटेंट का लेवल है वो किस तरीके का लेवल रह रहा है। और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।